इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्पासिबा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि पिछले कल मैंने आपको यह बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में गए हुए थे, जहां पर उन्हें सेंट एंड्रू द अपोस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि एक माला के जैसा अवार्ड था जिसे उनके गले में सबके सामने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा पहनाया गया। और रूस में 1698 ईस्वी से ही प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक आंद्रियास के नाम से ही ये सेंट एंड्रू द अपोस्टल अवार्ड दिया जा रहा है। और यह पुरस्कार राज्य के लिए असाधारण सेवाओं, रूस के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मित्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड उनके भारत और रूस के संबंधों को बढ़ाने और वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस अवार्ड को पाने के बाद और रूस में सबके सामने उन्हें सम्मानित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर क्या कहा, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेकर क्या कहा। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप में से भी कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम घर बैठे ही भरना चाहता है, या फिर कास्ट का सर्टिफिकेट, रेजिडेंट का सर्टिफिकेट, या फिर आयुष्मान कार्ड को लेकर अप्लाई करना चाहता है, तो हमसे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हम घर बैठे ही आपका फॉर्म भर देंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। तो दोस्तों, आप किसको लेकर क्या राय है या क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।